हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं 3 सवाल सीबीएसई करने वाला हूं और कुछ सवाल आपसे भी करूंगा। दोस्तों सवाल तीखे तो जरूर होंगे, बट दोस्तों ये सच्चाई है और आपको ये सच्चाई सुननी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप नहीं करना और इसे एंड तक देखना और अपने आप से पूछना कि आपने इस एग्ज़ाम के कैंसिलेशन से पहले जब एग्ज़ाम होने वाले थे तो आपने क्या किया और सीबीएसई ने क्या किया। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई से। और सीबीएसई से हमारा जो पहला सवाल है कि सीबीएसई, जिसे हम सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं, भारत के सबसे अच्छे बोर्ड में से एक माना जाता है, जिसमें पढ़ने के लिए हर एक बच्चा उत्साहित रहता है कि मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हूँ। वाह, सीबीएसई बोर्ड अपने में एक टैग लाइन होती है, किस बोर्ड से पेपर दे रहे हैं आप? मैं सीबीएसई बोर्ड से पेपर दे रहा हूँ। बट 2021 के रिजल्ट के बाद मुझे नहीं लगता कि आप में से कितने बच्चे किसी दूसरे को प्रेफर करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करें। क्लियर? तो दोस्तों सीबीएसई बोर्ड से हमारा पहला प्रश्न है कि आपने मेन एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। जब आपने मेन एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया तो आप री एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? जब आपको री एग्ज़ाम लेना ही था तो आपने मेन एग्ज़ाम कैंसिल क्यों किया? जी हाँ, अगर मेरी आवाज़ किसी भी सीबीएसई अधिकारी तक पहुंच रही है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही है, तो मुझसे सिंपल सा जवाब दे दीजिए कि आपने मेन एग्ज़ाम कैंसिल किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोरोना की स्थिति है। बट सही मायने में मई आते आते कोरोना की स्थिति धीरे धीरे घटने लगी थी। जून में ठीक है स्थिति सामान्य होने लगी थी, तो आप जून में परीक्षा ले सकते थे। बट हमें हमारे देश में एक चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है, वो है राजनीतिक पहलू। जी हाँ, हर चीज़ को राजनीति जोड़ दिया जाता है। आप लोग कह सकते हैं कि भाई मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। एग्ज़ाम कैंसिल किए गए तो सिर्फ इसलिए कि इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा सके। जी हाँ, सवाल तो तीखे हैं लेकिन फैक्ट हैं। आपको कुछ भी लग सकता है, मैं किस पार्टी का सपोर्टर कर रहा हूँ, किस पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो लगे सो लगे, लेकिन मैं जरूर ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। एग्जाम कराए जा सकते थे, ऐसी कंडीशन थी एग्जाम कराने की, तो अब आप एग्जाम कैसे कराओगे? क्या आप कोरोना की स्थिति नहीं होगी? क्या आप पूरी तरह से कोरोना समाप्त हो गया है? 16 अगस्त को कोरोना पूरी तरह चला जाएगा? क्या विद्यार्थियों को परेशानी नहीं होगी? आपने सेंटर कहाँ दिया है? अभी आपने सेंटर के बारे में बताया नहीं, आपने कहा कि हम सेंटर पर भारत की जितने भी हमारे सेंटर वहां दे देंगे। तो कोरोना की स्थिति आज भी मौजूद है, आज भी वो चीजें हैं जो पहले थीं। तो आज आप कैसे एग्जाम लोगे, ये मुझे आपसे पूछना है और आपको मुझे बताना होगा। हाँ, मुझे पता है एक छोटा सा यूट्यूबर जिसकी संख्या ज्यादा नहीं है, वो क्या कर लेंगे आप सभी के? कुछ भी नहीं कर ले हुए, या मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, राइट? अब इसी से रिलेटेड, एग्जाम कैंसिलेशन से रिलेटेड एक सवाल मैं आप सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं। जब बहुत से यूट्यूबर एग्जाम कैंसिलेशन के फेवर में नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो आज चुप हैं, उन्होंने बहुत सारा हैशटैग चलाया, बहुत सारी ट्विटर पर ट्रेंड कराया, तो आज वो सब कहाँ हैं? और आप सब विद्यार्थी कहाँ हैं जिन्होंने एग्जाम के कैंसिलेशन को लेकर ट्वीट चलाए थे, ट्वीट पर ट्वीट किया आप लोगों ने, राइट? लेकिन एग्जाम दिए जा सकते थे। तो जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसका भुगतान तो आप लोग भरोगे ना? सरकार और सीबीएसई बिना एग्जाम दिए नंबर कैसे बनाएगी? वो तो गड़बड़ी करेगी। आप लोग सरकार पे किसी प्रकार का, सीबीएसई पे किसी प्रकार का तोहमत भी नहीं लगा पाओगे और ना वो आपकी बात सुनेगी, क्योंकि अभी आप जिन लोगों के नंबर कम है उनकी संख्या बहुत कम है, और पता ही आपको जिसकी संख्या कम होती है उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है। और आज वो बड़े बड़े यूट्यूबर कहाँ गए जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा पहले जान फिर परीक्षा, परीक्षा नहीं होनी चाहिए, सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करो का हैशटैग चलाया, और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया एग्ज़ाम कैंसिल को, नहीं हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे, हमारे पास इतना मन नहीं है, हम बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए। तो अब आपका डर कहाँ जाएगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे? ये सवाल तो है और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जब आप लोगों ने एग्ज़ाम कैंसिल कराया तो उसका भुगतान आप लोग ही भरेंगे और कोई दूसरा भरने वाला नहीं है। जिसके अच्छे नंबर आए हैं बहुत अच्छी बात है, वो थोड़ी आपका साथ देने जाएगा एग्जाम कैंसिल कराने के लिए दोबारा से,
वो थोड़ी आपके साथ हैशटैग करने के लिए आएगा, लेकिन ये सच्चाई है। उन सभी लोगों को साथ में आना होगा यदि आपको एग्ज़ाम को दोबारा से कैंसिल करवाना है। बट एग्ज़ाम दोस्तों कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए CBSE ने बहुत कम टाइम दिया है, ठीक है। इसलिए आपको जल्द से जल्द 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच एग्ज़ाम को ख़त्म करवा दिया जाए, क्योंकि आपके पास मौका ही ना मिले विरोध करने का, आंदोलन करने का, प्रोटेस्ट करने का, अपनी मांग रखने का। नहीं तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट तैयार करने में इतना समय लिया गया, फिर एग्ज़ाम को कैंसिल करने में इतना समय लिया गया, बट एग्ज़ाम दोबारा री एग्ज़ाम कराने के लिए तुरंत सरकार झट से मान गई। कहाँ से ये सारी चीज़ आती हैं, ये आप लोग अभी समझ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मेरा CBSE से ये है कि ठीक है, आपने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि एग्ज़ाम जो हैं कैंसिल हो गए हैं, हमें बच्चों की जीवन की बहुत ज़्यादा चिंता है, किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार कोई धोखा नहीं किया जाएगा। अगर एग्ज़ाम से बच्चे असंतुष्ट होते हैं तो हर प्रकार की चीज़ें हमारे पास होंगी ताकि बच्चों का सोल्यूशन किया जा सके। आपने एक कमेटी बनाई डिस्प्यूट सेटलमेंट की, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया कि ये कमेटी किस आधार पर काम करेगी, कैसे काम करेगी, क्या इस कमेटी से कोई संवाद कायम किया जा सकता है, क्या इसे कोई मेल भेजा जा सकता है, क्या इसे कोई ट्वीट किया जा सकता है, कोई एक आपने बॉडी, कंट्रोल बॉडी बैठाई यहाँ पर जिससे विद्यार्थी अपनी समस्याओं का उनसे समाधान पा सके कि क्या सर हम बिना एग्जाम दिए अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मैं नहीं जानता कि आप लोग मेरी बातों को कैसे लेंगे, लेकिन सच में मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग साथ आएंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। मुझे पता नहीं है मेरी आवाज़ सही से आप तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जितने संसाधन उसी संसाधन का प्रयोग करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से ही सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को खुद देखना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन बात सच्चाई यही है कि यदि आप लोगों ने एग्ज़ाम को कैंसिल कराया है तो उसका भुगतान आपको खुद भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा भुगतने वाला नहीं आएगा और ना ही कोई आपका सपोर्ट करने वाला आएगा, क्योंकि जिसका अब यहाँ हमारी दुनिया बहुत सेल्फिश है, जिसका काम निकल गया हैशटैग चलाने के बाद, वो कोई सपोर्ट करेंगे आपको, उनको हैशटैग चलाने से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाला है, ये आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा एनी हाउ, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, आप मान के चलें। सरकार आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर सकती, आप कितना ही प्रोटेस्ट क्यों ना कर लें, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है और आपकी बात कोई सुनने वाला है ही नहीं, सही माने तो, और क्यों सुनेगा कोई आपकी बात। सरकार भी सीधा बोलेगी आप लोगों ने पहले एग्ज़ाम कैंसिल करवाया और आप जब आपके नंबर मिले तो आपसे असंतुष्ट दिख रहे हैं। यार सबसे पहले तो एग्ज़ाम ही नहीं कैंसिल करवाने चाहिए ना, क्योंकि एक विद्यार्थी 12 साल की मेहनत करता है और एक विद्यार्थी का कर्तव्य है परीक्षा देना। आप लोगों ने अपने कर्तव्य से ही मुख मोड़ लिया था, आपने सोचा बिना एग्ज़ाम दिए बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। अरे नहीं प्राप्त किया जा सकता है, दुनिया में कभी भी बिना एग्ज़ाम दिए नंबर नहीं प्राप्त किया जा सकता, और आपको अगर जो नंबर मिले उससे संतुष्ट होना होगा यदि आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो, ये सच्चाई है। और CBSE से आप क्या करोगे, CBSE ने आपको उलझा दिया है, आप लोग अब एडमिशन में फंसे रहेंगे। हाँ फंसी है, क्योंकि भाई 2 अगस्त से DU में और अन्य कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको कोई साथ देने वाला नहीं है अगर आप खुद अपना साथ नहीं देने के लिए आएंगे। और सही मायनों आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लीजिए एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, आपको री एग्ज़ाम देना होगा। तो मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग कह रहा हूँ, अगर जिसको लोग जो लोग भी कंपार्टमेंट आए हैं जिनका भी अच्छे नंबर नहीं, वो अभी से ही तुरंत अभी किताब उठा लीजिए और सिलेबस को मार्क कर लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पढ़ना ही होगा और अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। और पढ़ोगे तो 15 दिन में सिलेबस कहाँ कंप्लीट हो पाएगा, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना एग्ज़ाम देने की और नहीं देने की। इसमें क्या गारंटी है कि जो स्कूल वालों ने आप लोगों के साथ भेदभाव किया दोबारा ना करे, क्योंकि बहुत से मैसेज आए ना कि सर स्कूल में जब मुझसे जो है पर्सनल निकाला है, तो वो तो अभी भी निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उन सभी बड़े यूट्यूबर्स में रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को साथ दीजिए, जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के लिए साथ दिया, इसी तरह इस री एग्ज़ाम को कैंसिल करने का साथ दीजिए, दोबारा सीजल बनाने के लिए सपोर्ट कीजिए इन सभी बच्चों का। तीसरा सवाल मेरे CBSE से बस ये है कि सर आपकी जो कमेटी थी एग्ज़ाम इंचार्ज की रिजल्ट बनाने की, उस कमेटी ने सही मानों अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभाया है। आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी पीठ थपथपाई कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कभी उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बच्चे इस रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्य के बारे में सोचे, उसके बारे में हर संभव प्रयास करें कि कैसे इसके साथ न्याय किया जा सके। आप बड़े अधिकारी लोग हैं, हम छोटे से यूट्यूबर से किस आधार पर बात करेंगे मुझे नहीं पता। अब मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचेगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है बच्चे तक जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उसी का सपोर्ट करते हैं,
क्योंकि ये फैक्ट है, मैंने आपसे कहा कि आप उसी के पीछे जाइए जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है, वही आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसी ने ही आपके एग्जाम को कैंसिल करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। आज वही सब लोग चुप हैं, और सीबीएसई क्या करेगी? सीबीएसई कोई भी जो कमेटी है, कोई भी बोर्ड है, अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, आपकी गलती निकाली जाएगी, और आपकी गलती है या आपको मानना पड़ेगा। आप लोगों ने ही एग्जाम को कैंसिल कराया, और जिसके एग्जाम के कैंसिल होने के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे, जो आप लोग भुगतोगे, ये सच्चाई है। आप मुझे डिसलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ और मेरे आपके अनसब्सक्राइबर्स मेरा कोई नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मैं टीचर से पढ़ाता हूँ, मैं एक यूपीएससी एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं मेरा काम तो मैं लगातार कर ही रहा हूँ। बस ये थोड़ी सी बात थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि ये बात हर एक यूट्यूबर तक पहुँचे, हर एक सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी आवाज़ इससे अच्छी तरीके से उठा सके। आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, मुझे पता है, मुझे एडिट करनी भी नहीं आती, ना मेरे पास माइक है, जितने संसाधन उसी संसाधन से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ दे सकूँ। बस यही कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।